हेलो स्टूडेंट्स अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एक्सप्लिसिट और क्लोज्ड फार्मूला क्या होता है और टाइप्स ऑफ रिकरेंस रिलेशन पर रिकरेंस रिलेशन जो होती है मेनली टू टाइप्स की होती है एक होती है लीनियर रिकरेंस रिलेशन एक होती है नॉन लीनियर रिकरेंस रिलेशन अब लीनियर रिकरेंस रिलेशन भी टू टाइप्स की होती है एक होती है होमोजीनियस और एक होती है नॉन होमोजीनियस लीनियर रिकरेंस रिलेशन में क्या होता है कि इस टाइप के फार्मले होते हैं जैसे एफ एन इक्वल्स टू फोर एफ एन माइनस वन प्लस एफ एन माइनस टू या फिर या प्लस एन प्लस एन स्क्वायर इस टाइप का एक्स्ट्रा फंक्शन रहता है लीनियर रिकरेंस रिलेशन में और जो नॉन लीनियर रिकरेंस रिलेशन रहती है उसमें क्या होता है जैसे एफ़ एन माइनस वन का स्क्वायर आपको दिख रहा है यहाँ पर एन इंटू एफ़ एन माइनस टू दिख रहा है और यहाँ पर एफ़ एन माइनस वन इंटू एफ एन माइनस टू है तो यहाँ पर एन का एफ एन के साथ मल्टीपिकेशन हो रहा है या स्क्वायर हो रहा है तो इस टाइप के टर्म्स जो होते हैं वो नॉन लीनियर रिकरेंस रिलेशन में आते हैं तो लीनियर रिकरेंस रिलेशन भी दो टाइप की थी होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस तो अगर कोई रिकरेंस रिलेशन है जिसमें जिसमें एक्स्ट्रा टर्म्स नहीं एडिड होते हैं वो होती है लीनियर होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन और अगर उनमें कोई एक्स्ट्रा टर्म जैसे यहाँ पर प्लस एन है यहाँ पर प्लस एन स्क्वायर एडिड है तो ये दोनों क्या है नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन है होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन का सॉल्यूशन और नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने का मेथड अलग अलग है जो हम आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे अब सॉल्यूशन क्या होता है रिकरेंस रिलेशन का या जो उसे कहते हैं एक्सप्लिसिट फार्मूला या क्लोज फार्मूला जो होता है वो रिकरेंस रिलेशन का क्या होता है द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस विच सेटिस्फाई द रिकरेंस रिलेशन इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन ऑफ द रिकरेंस रिलेशन वो सीक्वेंस के टर्म्स जो रिकरेंस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है सॉल्यूशन ऑफ़ द रिकरेंस रिलेशन जैसे अगर आप देखो ये रिकरेंस रिलेशन है तो हमने इसका सॉल्यूशन ये निकाला है और इसी सॉल्यूशन को हम बोल रहे हैं एक्सप्लिसिट फार्मूला जब हम इसको इसमें सब्सिट्यूट करेंगे वापस से यही वैल्यू मिल जाएगी तो इसका मतलब है कि ए एन इक्वल्स टू थ्री एन जो है वो सॉल्यूशन है इस रिकरेंस रिलेशन का यहाँ इसको कह सकते हो एक्सप्लिसिट और क्लोज्ड फॉर्मूला तो फाइंडिंग ए फॉर्मूला फॉर टर्म ऑफ सीक्वेंस जनरेटेड बाय अ रिकरेंस रिलेशन इज तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम रिकरेंस रिलेशन को यूज करके एंथ टर्म का फॉर्मूला फाइंड कर लेते हैं तो उसे कहा जाता है सॉल्विंग द रिकेंस रिलेशन तो अब हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं या कह सकते हो एक्सप्लेटिट फॉर्मूला फाइंड आउट कर लेते हैं एंथ टर्म के लिए बाय यूजिंग दिस रिकरेंस रिलेशन हमें रिकरेंस रिलेशन गिवन है ए एन इक्स टू टू एन माइनस वन माइनस ए एन माइनस टू फॉर एन इज ग्रेटर देन इक्व टू टू ए जीरो और ए वन दिया हुआ है हमें फाइंड करना है इसका सॉल्यूशन यहाँ पर ए वन तक वैल्यू दी हुई है हमें एन इक्व टू टू के लिए फाइंड आउट करना होगा फिर एन इक्व टू थ्री के लिए फोर फाइव इस टाइप से हम कुछ टर्म्स के लिए वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो ए टू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा टू ए वन माइनस ए जीरो और ए वन की वैल्यू कितनी है थ्री और ए जीरो की वैल्यू कितनी है जीरो तो वैल्यू क्या आ गई सिक्स ही ए थ्री फाइंड करोगे तो हो जाएगा टू ए टू माइनस ए वन तो आपको वैल्यू मिल जाएगी नाइन फिर ए फोर हमने फाइंड आउट करके देखा तो ट्वेल्व मिला ए फाइव हमें फिफ्टीन मिला तो हमें सीक्वेंस कैसे मिल रही है जीरो थ्री सिक्स 9, ट्वेल्व फिफ्टीन इस टाइप से हमें ये आ, टर्म्स मिलते जाएंगे इस सीक्वेंस के तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया इस रिकरेंस रिलेशन का जीरो थ्री की पूरी सीक्वेंस अब इसका अगर मैं फार्मूला लिखना चाहूँ तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है ये जो टर्म्स हैं वो थ्री के मल्टीपल्स में अगर हम इन टर्म्स को देखें तो एंथ टर्म आपका कैसे फाइंड होगा थ्री इंटू एन वेयर एन इज़ ग्रेटर देन इक्व टू जीरो क्योंकि जब एन जीरो होगा तो हमें जीरो टर्म मिलेगा जब एन वन होगा तो हमें थ्री मिलेगा जब एन टू होगा तो हमें सिक्स मिलेगा थ्री पे नाइन मिलेगा इस टाइप से तो एंथ टर्म ऑफ sequence क्या हो जाएगा ए एन इक्व टू थ्री एन थ्री इन टू एन वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्व टू जीरो तो ये हमारा एक्सप्लिसिट फॉमूला है यहाँ कह सकते हो दिस इज दॉल्यूशन ऑफ दिस रिकरेंस रिलेशन आप चाहे तो इसका वेरीफाई भी कर सकते हो कि ए एन इक्व टू थ्री एन जो है सॉल्यूशन ऑफ दिस रिकरेंस रिलेशन कैसे करेंगे हमने इक्वेशन ये वाली ली और इसमें ए एन माइनस वन की जगह हम क्या सब्सटीट्यूट करेंगे थ्री इंटू एन माइनस वन क्योंकि ए एन अगर थ्री इंटू एन है तो ए एन माइनस वन इक्व टू क्या हो जाएगा थ्री इंटू एन माइनस वन और ये क्या हो जाएगा थ्री इंटू एन माइनस टू इसको सॉल्व करो तो आपको क्या मिल गया सिक्स एन माइनस थ्री एन यानी कि थ्री एन तो ए एन इक्व टू थ्री एन हमें वापस से मिल गया इस इक्वेशन पे जब हमने ये सॉल्यूशन सब्सिट्यूट किया तो हमें वापस से क्या मिल गया ए एन इक्व टू थ्री एन तो हेंस ए एन इक्व टू थ्री एन इज द सॉल्यूशन ऑफ ए एन इक्व टू ए एन माइनस वन माइनस ए एन माइनस टू ये मेथड जो है बहुत सिंपल मेथड है सॉल्व करने का बट इस टाइप से हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे ये जो रिकरेंस रिलेशन है अगर हम देखें तो ये है सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर रिकरेंस रिलेशन मेथड टू फाइंड आउट दी सॉल्यूशन और एक्सप्लिसिट फॉर्मूला ऑफ सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर रिकरेंस रिलेशन थ्री केसेस हैं इसको सोल्व करने के हमारे पास ये रिकरेंस रिलेशन गिवन वन है ए एन इक्वल्स टू सी वन ए एन माइनस वन प्लस सी टू एन माइनस टू वे आर सी वन एन सी टू आर रियल नंबर्स और कॉन्स्टेंट्स इस इक्वेशन को अब हमें कैसे लिखना पड़ता है ए एन माइनस सी वन ए एन माइनस वन लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे और सी टू ए एन माइनस टू को भी हम इक्वस टू के लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस सी टू ए एन माइनस टू इक्वस टू जीरो तो सबसे पहले तो आपको इक्वेशन इस फॉर्म में लानी है उसके बाद क्या करना है पुट ए एन इक्व टू आर टू दावर एन ए एन की जगह मैं आर टू दावर एन लिखती हूँ तो ए एन माइनस वन की जगह ये क्या हो जाएगा आर एन माइनस वन और ए एन माइनस टू की जगह एन माइनस सी वन आर टू दावर एन माइनस सी टू दावर एनसो आपको क्या करना है पूरी इक्वेशन को आर टू दावर एन माइनस टू से डिवाइड कर देना है जब आप डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा आर टू दावर एन माइनस एन माइनस टू और ये हो जाएगा आर टू टू दावर एन माइनस वन माइनस एन माइनस टू और ये हो जाएगा आर टू दावर एन माइनस टू माइनस एन माइनस टू ये हो जाएगा आर स्क्वायर ये हो जाएगा सी वन आर माइनस सी टू इक्व टू जीरो तो हमारे पास ये एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई तो जब भी हमें सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर रिकरेंस रिलेशन गिवन होगी सबसे पहले हमें उसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में लाना होगा अभी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गई इस रिकरेंस रिलेशन की वो ये है आर स्क्वायर माइनस सी वन आर माइनस सी टू इक्व टू जीरो अब आपको इसके रूट्स फाइंड आउट करने होंगे तो रूट्स जब आप फाइंड करोगे तो थ्री केसेस होंगे एक तो क्या होगा टू डिस्टिंगट रियल रूट्स मिलेंगे आपको आर वन और आर टू या फिर आपको सिंगल रियल रूट मिलेगा या फिर आपको टू डिस्टिंग कॉम्प्लेक्स रूट्स मिलेंगे तो अगर आपको टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलते हैं तो इसका जो सोल्यूशन होगा या जो एक्सप्लिसिट फार्मूला होगा वो आपको याद रखना है क्या होगा ए एन एक कैपिटल ए आर वन टू पावर एन प्लस प्लस कैपिटल बी आर टू द पावर एन यहाँ पर ए एन बी क्या है कॉन्स्टेंट्स हैं और अगर आपको सिंगल रियल रूट मिलता है तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा ए एन इक्वल टू कैपिटल ए आर वन टू पावर एन प्लस बी इन टू एन यहाँ पर एन भी मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर एन नहीं था यहाँ पर एन भी आ जाएगा इन टू आर वन टू दावर एन थर्ड केस क्या होगा टू डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स रूट्स मिलेंगे मिलेंगे इसका सॉल्यूशन कैसे होगा वो हम आगे देखेंगे तो जब भी आपको क्वेश्चन गिवन हो उनका एग्जाम में तो हम जब रूट्स फाइंड आउट करेंगे तो रूट्स पे डिपेंड करेगा कि हमें उसे कैसे सॉल्व करना है जो हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे